प्रसंग को ध्यान में लेकर जीवन में उतारने लायक बात, भक्तों जीवन में यदि पाप हो जाए तो उसका इजहार करे, उसका स्वीकार करे। पाप जितना छिपाएंगे उतना बढ़ता जाएगा व्याज, चक्रवृद्धि व्याज वो बहुत बढ़ता जाएगा। लेकिन गलती से जाने अनजाने से पाप हो गया और गुरु और भगवान के सामने बोल दिए तो हम हल्के हो जाएंगे, पाप से मुक्त हो जाएंगे। कल का इतिहास पूरे कच्छ को छिन्न भिन्न करने वाला, कच्छ की धरती को ध्रुजाने वाला, जैसल जाडेजा अपने जीवन में कितना पाप किया, एक भी ऐसा पाप नहीं था जो उस जैसल ने नहीं किया था। और एक दिन सती साध्वी नारी तोरल के साथ बैठकर नदी पार, नाव में बैठकर नदी को पार कर रहा था, बीच नदी में नौका पहुंची और बाढ़ आई, आंधी तूफान आने लगा, नौका लड़खड़ाने लगी और कच्छ का वह शूरवीर जैसल जाडेजा ध्रुजने लगा, कांपने लगा, मौत का भय, मौत दिखाई दी। कोविड चल रहा है ना, कई लोगों ने मौत को निकट से देखा है, मौत का भय सताने लगा उस शूरवीर को और तैरना आता नहीं था। दोनों हाथ जोड़कर उस नौका में बैठी हुई सती साध्वी तोरल से कहने लगा, मुझे मौत का भय लग रहा है, मुझे बचा लो। तब उस साध्वी नारी ने कहा कि इस नौका में भार बढ़ गया है जैसल, इस नौका में भार बढ़ गया है, फिर चाहे समुद्र की नौका हो या हमारे जीवन की नौका हो, यदि पाप का भार बढ़ गया तो यह नौका लड़खड़ाने लगती है। मुझे बचना है, क्या करूं? वह सती साध्वी नारी कहती है कि पाप का भार बढ़ा है, नौका लड़खड़ा रही है, भार खाली करो। भक्तों यदि हम नौका में सवार हो, नौका में आप सवार होते हो और आप जाते हो और नौका डूबने लगे तो उसमें सोना भी रखा हो ना, हीरे मोती, उसे खाली कर देना चाहिए यदि बचना चाहते हैं तो। ठीक उसी प्रकार यदि जीवन को बचाना चाहते हैं तो पाप के भार को खाली करना चाहिए। जैसल जितने भी पाप किए हैं उनका बयान करो और फिर एक के बाद एक पाप वह जैसल गाने लगा। तोड़ी सरोवर पाण सती रानी, तोड़ी सरोवर पाण रे, गोधन तरसिया वाणिया, हे गोधन तरसिया वाणिया, तोड़ा दे रे एम जैसल पाप तारू जहर काश जाड़े जा, धर्म तारो सम वार रे ओ रे, तारी गेड़ी ने डूबवानी दो, तारी नावड़ी ने डूबवा नहीं दो, ये जाड़े जा रे एक के बाद एक अपने पापों को गिनाने लगा है। लुटी कुवारी जान सती में तो, लुटी कुवारी जान रे, वनना ते मोरला मारिया, हे वनना ते मोरला मारिया, तोड़ा दे रे एम जैसल जे जी। हे साध्वी, मैंने सरोवर को तोड़े हैं, मैंने पानी पीते हुए गाय बछड़ों को वापस भेज दिया, मैंने पशुओं को मारा, मैंने बड़ी बड़ी बरातों को लूटा, मैंने अपनी बहन और अपने भांजों को भी नहीं छोड़ा, मैंने सबको छिन्न भिन्न किया,
मैंने 4-4 लाख हिरण मारे, मैंने वन के मोर आदि पशु पक्षियों को मारा। देवी मैं कितना गिनाऊं, मस्तक के बालों को गिनना संभव है लेकिन मेरे पाप को गिनना संभव नहीं। जेठला माथे जा वाल सती में तो, जेठला माथे जा वाल रे, एटला ते वकरम मैं करिया, हे जी एटला ते वकरम मैं करिया तोड़ा दे रे। ये मुझे सुन कैसे जी। कल का इतिहास भक्तों पापों को गिनाने लगा एक के बाद एक, और जैसे जैसे पाप बोलते गया नौका स्थिर होते गई। चाहे समुद्र की नौका हो, वजन खाली हो जाए तो स्थिर हो जाती है, या अपने जीवन की नौका हो, पाप खाली हो जाए तो स्थिर हो जाती है। नौका स्थिर हुई और किनारे पर लग गई।